तो मैम आपको अकेले ड्राइव करना कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या है कि मेरे घर पे जैसे आपने देखा सब लोग हैं, और मुझे, मैं ऐसी हूँ कि मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, जो कि मुझे मिलता नहीं है। तो इसीलिए जो ड्राइविंग टाइम होती है ना, मतलब जो ड्राइविंग टाइम होता है, जो अकेले अकेले गाना सुन सुन के जाना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने इनिशियली तो ड्राइवर रखा नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था नहीं नहीं मैं खुद ही ड्राइव करूँगी, जो इतने सालों से कर रही हूँ। पर उसके बाद फिर ट्रैफिक की वजह से और सीन्स में इतना कुछ, मतलब यू नो सब कुछ इतना, दिन भर इतना हेक्टिक हो जाता है, उसके बाद मैंने सोचा नहीं, फाइनली फिर ड्राइवर रख लिया इसीलिए मैंने। और ट्रैफिक जो इतनी अच्छी खासी मिलती है? बहुत बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग में इतना टाइम चला जाता है ना, एक तो ट्रैवलिंग में प्लस शूट पे मिला के, मतलब घर के लिए तो टाइम ही नहीं बचता है। स्वरागिनी नायगांव, उसके बाद 2017 एक था राजा एक थी रानी नायगांव, अभी फिर से नायगांव। तो मैम अगर बात की जाए तो अगर जैसे आपसे पूछा जाए, अगर आज आप एक्टर नहीं होती तो क्या होती? शायद सिंगर। हम लोग क्वालिटी हमने थोड़ी पहले देख ली थी कि जो आपकी वॉइस है, और जो खासकर ऐसे में जो बंगाल कनेक्टेड है, जो वॉइस बड़ी खुश होती थी वहाँ की। तो एक और इसी बात में, कोई एक चलते थे जो ट्रेवलिंग करके, एक गाना आपके दिमाग में याद आता हो? और एक गाना, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा, तुम याद आए, जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से टकरा गई, के आ गई लौट के यहाँ। मुझे सब एक ही लाइन ही याद आता है, उसके बाद का मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। बट आपकी वॉइस बड़ी ही खूबसूरत है मैम। थैंक यू। मैं असम में बॉर्न एंड ब्रॉटअप, दुलिया जाना। एक्चुअली मेरे पापा जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुए ऑयल इंडिया से, ऑयल इंडिया लिमिटेड, सो इंजीनियर है। तो बचपन से वही हम लोग बड़े हुए हैं। बहुत सुंदर जगह है दुलिया जान, बहुत प्यारा जगह है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पढ़ाई की सफाया कॉलेज से ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की। पर तब तक मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। कुछ पढ़ाई मैंने शादी के बाद भी की, बहुत कम उम्र में शादी कर ली मैंने। उसके बाद भी मैंने कुछ कुछ कोर्सेज किए हैं, तो पढ़ाई काफ़ी सारी अभी भी बोल सकते हैं आप, करती रहती हूँ कुछ ना कुछ मैं। तो कितनी देर का सफ़र है पूरा यहाँ से सेट तक का? ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, जैसे आप देख रहे हैं यहीं से ट्रैफिक शुरू हो गया है, तो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। कभी कभी तो 3 घंटे लग जाते हैं, पर आज ऐसे गूगल मैप, जिंदाबाद गूगल मैप दिखा नहीं रहा है 3 घंटे, तो आई थिंक 1-1.5 घंटे के बीच हम लोग को पहुंच जाना चाहिए।